की जो शुरुआत हो वो शुभ हो, और जब शुरुआत होती है तो जो आगाज होता है वो अच्छा होता है, तो अंजाम भी अच्छा होता है, उम्मीद यही है। देखिए पीछे पीछे थोड़ा सा सिराथु की कुल देवी माँ शीतला के चरणों में प्रणाम करके पूजा अर्चना करके आज एक बार फिर से 10 वर्षों के बाद सिराथु विधानसभा क्षेत्र से मेरे पार्टी के नेतृत्व ने, मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने और संपूर्ण राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने मेरी जन्मभूमि को मेरी कर्मभूमि बना करके मुझे सेवा करने का निर्देश दिया है और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। सिराथु विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक परिवार मेरे परिवार जैसा है। सिराथु विधानसभा क्षेत्र की सेवा करना या मेरा सौभाग्य है। जब से अवसर मिला है प्रयास किया हूँ कि सिराथु क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो और मैं सिराथु के लोगों को यही भरोसा दिया हूँ और दे भी रहा हूँ। तो सिराथु के इस बेटे के कारण से कभी भी सिराथु वासियों का शीश नहीं झुकेगा और मुझे भी विश्वास है कि सिराथु वासी मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन जब तक मतदान नहीं हो जाता, जब तक मतों की गिनती नहीं हो जाती है, तो चाहे किसी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, वह चुनाव लड़ता है और लोग लड़ें। मेरा आज तो माँ के दरबार में ही चरणों में प्रार्थना है कि फिर एक बार 300 पार उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार, लोगों के लिए सुशासन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सुशासन की, विकास की और 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा की गारंटी है। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो और चाहे अन्य जो राजनीतिक दल बने हैं अलग अलग, लेकिन वह अलग अलग राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न सुशासन दे सकते हैं, न विकास दे सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। धन्यवाद।